असलम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 4B है। 4B है एक्सरसाइज 4B, क्लास 7 के मैथ के स्टूडेंट मैथमेटिक्स 2। इसका क्वेश्चन नंबर जो है 8 इस लेक्चर में करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपलोड हुए हैं, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हमें दे रहा है कि ABCD जो है वो एक रंबस है। ABCD क्या है? एक रंबस है। और उसके अलावा हमें ये बताता है कि BE और BC जो है दे आर इक्वल इन लेंथ, वो आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखें तो उसमें हमें ये देखें, ये डबल एरो इधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है, इसका मतलब है कि ये साइड इक्वल है। और ये देखें इधर लगाया, इधर लगाया, इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल है। दूसरी अगर चीज देखें तो उसमें BC के ऊपर एक लाइन लगाई हुई है और BE के ऊपर भी एक लाइन लगाई हुई है, BC के ऊपर लाइन लगाई है, इसका मतलब है कि दे आर इक्वल इन लेंथ। रंबस असल में होता क्या है कि एक स्केल ही होता है। स्केल में हमारे पास ये होता है कि बिल्कुल ऐसा इसी इस शेप का होता है स्केल, जिसके यहाँ पर 90 के एंगल बन रहे होते हैं, ठीक हो गए। और स्केल जो है उसकी तमाम साइड जो होती है वो इक्वल होती है। अगर इसी स्केल को यहाँ से मैं पकड़ के प्रेस करूँ, जब प्रेस करूंगा तो वो कुछ इस शक्ल में बन जाएगा। यानी कि यहाँ से ये साइड दूर हो जाएगी और ये साइड थोड़ी इक्वल हो जाएगी, इसलिए एंगल आपस में 90 का नहीं रहेगा। एक बैंड ये 90 से बड़े, एक बैंड से बड़े हो जाएंगे और ये 90 से छोटे हो जाएंगे, ये थोड़ा सा फर्क बनेगा। अदरवाइज जो ऑल साइड्स आर इक्वल, जो रंबस होती है एस ए बी सी, हम बेशक यू भी लिख सकते हैं एस ए बी सी डी इज अ रंबस, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी ए। यानी कि ए डी ए डी ए आप बेशक ऐसे लिख लो, ये ऊपर जो लाइन लगाई है इसका मतलब होता है ये साइड को शो करती है, कि क्योंकि ये हमारे पास रंबस है। इसकी एक तो ये बात आपके जहन में रखनी है कि ये ऐसी ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। एक और चीज में जल्दी से एंगल फाइंड कर लेता हूं। अब हमारे पास जो एंगल उसने हमें दे दिया है सी बी बी, उसने हमें दे दिया है कि ये 46 डिग्री है, ये उसने हमें खुद दे दिया कि सी से और बी डी से इधर है तो ये 46 है। अब एक और एंगल है ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू सी डी बी इज इक्वल टू 46 डिग्री, और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल कि एक लाइन है और उन उसके साथ ही नहीं, बेसिकली ये हमारे पास ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन ये वाली ये पैरेलल लाइन है, तो इसलिए यहां पर अगर 46 बन रहा है तो डेफिनेटली यहां पर भी 46 बनेगा। इसलिए हमारे पास एंगल जो है ए बी डी जो है वो 46 आएगा। यहां पर मेरे पास एंगल कितना आ गया, 46 आ गया, ठीक हो गया। ये मिटा दूं सिर्फ आपको थोड़ा समझाने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि मैं ए बी डी इज इक्वल टू 46 आ गए तरीके से। अब अगर ये वाली जो ट्रायंगल है एक है यहां से इस तरफ और इधर से ये और ये वाला पीस अगर मैं निकाल के ऐसे रख दूं, तो जिसका यहां पर एंगल 46 है, ये डी है, ये बी है और बी है, और ये क्या है, ए है। अब क्योंकि इस ये एक रंबस है और इसकी सारी साइड इक्वल है, अगर सारी साइड मैंने ऊपर बता दी इक्वल है तो ये साइड भी आपस इक्वल होगी। तो जब भी दो साइड इक्वल होती है तो उनके बेस में बनने वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी यहां पर अगर 46 है तो यहां पर भी एंगल 46 भी होगा। क्यों? कि अब मैं यहां पर लिख के बताऊंगा प्रॉपर कि मैं कैसे लूंगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ए बी सी डी इज अ रंबस, आर एच ओ एम बी यू एस रंबस। तो उसकी रंबस, तो जो रंबस रंबस होती है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल है, तो इसलिए इनके साथ ए बी ए डी अगर इक्वल है तो हमारे पास जो एंगल बनेगा ए बी डी वो इक्वल होगा ए डी बी, और दोनों किसके होंगे, 46 के इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी जो है इक्वल है ए डी के। आगे इसकी वजह बता दें,
कि ये जो साइड है और ये जो साइड है ये आपस में यदि कि मैंने रेफरेंस में बना दिया कि ये वाली साइड आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो इनके नीचे फॉर्म में बनने वाला एंगल इक्वल होगा। इस तरह आप समझ लें, या दूसरी तरह मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ए बी सी डी में ये वाली साइड इक्वल है तो ये एक क्या है एसएस ट्रायंगल, तो उसके बेस में बनने वाले एंगल इक्वल। अब हमारे पास ये 46 है, ये 46 है, हमने एंगल निकालना है बी ए डी, बहुत आसान बी ए डी है, इसके ऊपर में एंगल लगा दो इक्वल टू 180 माइनस 46 डिग्री प्लस 46 डिग्री। अब ये चीज बहुत से समझी, अब क्योंकि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी डी जिसको मैंने अलग से यहां पे आपकी आसानी के लिए बना दिया, तो इसमें टोटल तीन एंगल है, एक दो तीन, तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं और उनका सम 180 के इक्वल होता है, तो तीनों एंगल जो है वो 180 के हैं, दो हमें गिवन है, तो टोटल जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है उसमें से अंदर वाले जो दो एंगल है उनको एड करके इस 180 से निकाल दोगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा बी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 92, बी ए डी इज इक्वल टू 88। बी ए डी हमारे पास क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है बी सी, ये भी शायद इसको उतार लें, मैं फिर आपको बता दूं कि मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो तीन एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन तीन एंगल का जो सम होता है 180 होता है। अगर आपको दो एंगल गिवन हो, दो एंगल आपके पास हो, तो उन दोनों एंगल को ऐड करके 180 में से माइनस करने से आपके पास तीसरा एंगल आ जाता है, और यही चीज हमें चाहिए थी, हमें बी ए डी चाहिए था, इसलिए हमने दोनों एंगल को ऐड करके 180 से निकाला, हमारे पास ये आ गया जो बी ए डी हमें फाइंड करना था 88 डी। तो वीडियो को पॉज करें और इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो इसका सेकंड पार्ट चीज है वो हमने फाइंड करनी है वो हम देखते हैं। अब देखिए हमें एंगल चाहिए कौन सा, बी सी ई, यानी ये वाला एंगल हमें चाहिए। अब उसने हमें, तो हमारे पास इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल है, अगर ये वाली ट्राइंगल में ले लू जिसकी ये साइड सी ई है और कुछ ऐसे ऐसे है जिसकी ये साइड, यहां पे पॉइंट बी है, यहां सी है और यहां क्या है ई है। अब हमारे पास क्या है कि ये वाला जो एंगल है ना ये भी 46 होगा। अब ये 46 क्यों होगा, मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ कि मैं जिस तरह ये एंगल अलाइनर ली थी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस आप ये ना ये मैं जरा अलाइनर से बनाकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसका पार्ट बी है, ये इसका सी है और ये डी है, ये 46 है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो मैं लिखूंगा इस तरह लिख लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी की, जो बी सी डी ट्राइंगल है उसमें मेरे पास बी सी जो है वो इक्वल है डी सी के, बी सी और डी सी इक्वल है, इसी तरह मेरे पास एंगल जो सी बी डी है, सी बी डी है वो इक्वल है किसके, सी बी डी वो इक्वल है सी डी डी के, सी डी डी के यानी सी डी बी, ये वाला एंगल इक्वल है सी बी डी, इस वाले एंगल के, ये दोनों एंगल इक्वल है और किसकी इक्वल है 46 की इक्वल है, क्यों इक्वल है, इसलिए इक्वल है क्योंकि इसमें मेरे पास बी सी और डी सी दो सेम लेंथ वाली इक्वल लेंथ है, दोनों साइडें सेम है, इसलिए इनके नीचे फॉर्म में बनने वाले एंगल भी इक्वल है, इसलिए ये जो लाइन लिखी गई इसका यही मतलब है। तो इसलिए मेरे पास जो एंगल आ गया सी बी डी 46 डिग्री आ गया, कौन सा सी बी डी, ये वाला एंगल कितना आ गया 46 डिग्री। अब अगर देखें तो ये देखें, ये मेरे पास डी पॉइंट है, ये लाइन मैंने ड्रा की और ये वाली पूरी ड्रा, इसका ये जो एंगल है ये मेरे पास कितना बन रहा है 46 बन रहा है। अब ये पॉइंट बड़ा गौर से समझो, अब मैंने ये वाली ट्राइंगल इसलिए सेपरेट की है क्योंकि मुझे इसका ये वाला एंगल चाहिए। अब इसमें मेरे पास ये जो है क्या है, साइड सेम है, मैं अगेन इसी तरह लिखूंगा, जो बी ई है वो इक्वल है किसके, बी
अच्छा इसमें एक सी है, सी लिखो बी सी के, ये दोनों साइड क्या है आपस में इक्वल है और ये हमें क्या है कि गिवन है, उसने हमें खुद बता दिया। इस तरह हमारे पास जो एंगल बनेगा बी सी ई इज इक्वल टू बी ई सी, इनको मैं एक्स डिग्री कह देता हूं कि बी सी ई ये वाला एंगल, सी ई बी ये वाला एंगल, इन दोनों को मैंने एक्स डिग्री कह दिया। जब इन दोनों को एक्स डिग्री कह दिया तो अब मेरे पास होगा क्या, ये आपने बड़े गौर से सुने, अब दो मेथड है, दोनों तरीकों से आपको समझा दें बाय, बल्कि पहले कर लेते हैं। देखो जी एक्स डिग्री इज इक्वल टू 46, ये पहले स्टेप समझेंगे, मैं इसकी रीजन लॉजिक समझा दूंगे क्या एक्स और एक्स कितने एक्स होगा, 2x इज इक्वल टू 46 डिग्री, x इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाय 2, 2 जर और 2 3 जर, 2 जर 4 और 2 3 जर, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 23 डिग्री आ गई, ठीक है, x इक्वल टू 23 आ गई। अब देखो मैंने ये लिखा क्यों कि x डिग्री इज इक्वल टू 46, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू 46। अब इसके आगे मैं लिख दूंगा बाय अप्लाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल सम। अब बात यह है, ये थ्योरम जो है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उसको ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो उसके जो अंदर वाले दो एंगल हैं उनको ऐड करो तो वो इक्वल आएंगे, अब उनके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएंगे। तो मैंने ये लिखा कि एक्स और एक्स मेरे पास क्या थे इंटीरियर एंगल थे, तो जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं एस पर रूल मुझे इजाजत देता है कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूं तो इन दोनों का सम इस एंगल के बाहर वाले के इक्वल आएगा, क्योंकि ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 46 सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के, दो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो इनके बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। एक तो मेथड ये है आपकी वैल्यू आ गई है, दूसरी एक्स इज इक्वल टू 23, तो हमारे पास बी सी ई इज इक्वल टू 23 डिग्री आ गया। आप देख सकते हैं इधर भी 23 लिखते हैं, इधर भी 23 आ जाए तो हम इधर लिखते हैं जो एक्चुअल फिगर है 23 डिग्री। इसके अलावा दूसरा मेथड से क्या है वो भी आपको बता दो, दोनों आपको पता होने चाहिए, इधर थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ। अब देखिए दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल होता है ये पूरे का पूरा कितना होता है 180 का होता है, क्या होता है 180 का। तो ये मेरे पास एक यूं एक लाइन थी जिसमें पूरा एंगल मेरे पास 180 का होता है, 180 में से ये मुझे पता है कि 46 है, तो जब मैं 180 में से 46 माइनस करूंगा तो 134 मेरे पास बन जाएगा, 134 मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। अब आपके पास ये वाला एंगल कितना आ गया 134, तो अब 134 आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें आपके पास ये 134 है, ये x है x है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। पहले आप ये करोगे ये वाला भी सेकंड एंगल, आप इस सिंपल एक स्टेप आप ये कर सकते हो सी बी E is equal to 180 minus 46 is equal to 134. ये वाला लाइन देखोगे, बाकी ये क्या लोगे? 2x is equal to 180 minus 134. 2x is equal to 46. ठीक हो गई? कितना हो गया? 46. X is equal to 46 divided by 2. X is equal to 23. आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्योंकि जब ये वाला एंगल आपके पास 46 आ जाता है, तो 180 से माइनस करते हो 134. ये वाला एंगल आपके पास 134 है, तो ये दोनों का एंगल आपस में सेम है,
ये हमने x कह दिया, इसको भी x कह दिया, तो x और x दो एंगल इंटीग्रेट ये बने हुए और तीसरा आपके पास 134 हो गया, तो सम ऑफ थ्री डिग्री एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 के इक्वल होते हैं, इसलिए 134 ग्राम के माइनस हो गया, दोनों x ऐड हो गए, ये 2 मल्टीप्लाई होता तो जब डिवाइड हो गया तो आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप चाहे तो जो पीछे मैंने बाय एक्सटेंड एंगल थ्योरम बताया था उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।